एक्सरे पर बैठकर तो नहीं आ रहा, रॉकेट की खोज हो चुकी है, रॉकेट पर बैठकर आना चाहिए ना। ये कौन है? भाजी का तबेला समझे क्या जो बैलगाड़ी अंदर घुस रहा है? बैलगाड़ी लेके कौन आ रहा है? ए रोक रे, ए रुक, ए नीचे उतर, ए रुक रुक रुक, ए नीचे उतर, नीचे उतर, ए नीचे, स्टॉप 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 स्टॉप। अरे यार कल के अंधे, वो तो सच में अंधा है, उसको यहाँ क्यों लेके आया? नकली वीरप्पन के मूंछ वाले। हेलो, कौन है भाई तो जो इन दो बैलों और एक गधे के साथ धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए? रामपुर से मैं कस्तूरी जी का। अरे दामाद जी, खुशी मनाओ, बैंड बजाओ, मिठाई बांटो। मुझे पता नहीं था आसमान में बैलगाड़ी भी उड़ती है। अच्छा हुआ लेकर आए। देखिए जनाब, मैं आपका दामाद नहीं। अरे वो तो मालूम है, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि तुम ही हमारे दामाद बनोगे। मजाक कर रहे हैं? मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दरअसल मैं आपका होने वाले दामाद जी, हम जानते हैं। ओहो, लगता है इन सबकी अकल घुटने में है। देखिए, मैं सुमित का दोस्त हूँ और मेरा नाम है शंकर। उस दिन आपको पूरी बात बताने से पहले ही फोन कट गया था। रोड कॉन्ट्रैक्ट के काम से मेरा बेटा यहाँ आने वाला है, वो आपके यहाँ रहने से शर्मा रहा है, वो बहाने बना सकता है, उसकी बातों में मत आइएगा। एक हफ्ते पहले ही सरस्वती जी ने मेरी बहन को ये बातें बता दी थी, इसलिए हम सब जानते हैं कि तुम एकदम झूठ बोल रहे हो। इस वक्त वो प्रिया को अपने साथ लेकर मंदिर गई है। भेजे में घुसी बात, हमें तुम्हारी सारी कुंडली पता। अच्छा तो ये बात है। और नहीं तो क्या दाल भात है? ये कहाँ किस हो गया? अरे यार, भंगिनी भी गायब हो गई। माफ कीजिए, मुझे पटाखों से डर लगता है। मुझे भी। मेरा पटाखा फूट गया क्या? आपको देखकर कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। आपको देखकर मुझे मेरे भैया की याद आ गई। तो ये दोनों यहाँ पर हैं? अरे लुका छुपी खेल रहे हो क्या? दामाद बाबू, इसका कच्चा पक्का दोनों लाइसेंस मेरे पास है। मेरी कुंडली में मंगल है, फिर भी ये मंगल कन्या मेरे पास है। होली के बाद दिवाली भी चली गई, लेकिन हमारे आंगन में फूल झड़ी जलाने वाला नन्ना मुन्ना नहीं आया। सुमन की गोद 8 साल से सुनी है। आपके पास दिमाग पढ़ने वाली एक्सरे मशीन है क्या दामाद जी? क्या है? आपको तो फिल्मों में हीरोइन होना चाहिए। सीन कट। ये अभी भी हीरोइन है, पर मेरे पिक्चर की। दामाद जी, अब सारी बातें बाहर ही करेंगे, थोड़ी गुफ्तगु अंदर भी कर लीजिए, आइए। बाय। मैंने जिसके आने की खुशी में सस्ते वाले पटाखे फोड़े, वो तो पति पत्नी के बीच में महंगी मिसाइल छोड़ रहा है। मेरी मर्जी। दामाद जी, चुप रहिए, बैलगाड़ी से आए हैं, थक गए होंगे, इसलिए गुसल खाने में जाके गुफ्तगु कीजिए। क्या हो गया? बड़े भैया, इसका रिटर्न टिकट निकालो। लेकिन क्यों? अपनी किडनी बेचकर इसके टिकट के पैसे दूंगा। अगर ये घर में आ गया ना, तो हम सबको घर के बाहर निकलना पड़ेगा कटोरा लेके। अबे चुप कर मनुष। मनुष तो वो है। अब क्यों बुला रहा है? हे ऊपर वाले, तू इसको बुला ले। तुम ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, है ना? यहाँ आते हुए रास्ते में विंध्यपुरम हवेली के बारे में मैंने बहुत लोगों से पूछताछ की, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ तो? अगर तुम मुझे विंध्यपुरम हवेली पहुँचा दोगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, वरना वरना क्या? हाय, यहीं रहूँगा। ठीक है, ले जाऊँगा, लेकिन एक वादा करो, बाद से मुकर तो नहीं जाओगे? जाओ तो आजमा सकते हो। आजमा खराब हो गया क्या जो तुमको आजमाऊंगा? ए अंदर जा, मेकअप कर। जाती हूं। गेट भी भूतों के लिए खुला छोड़ा है। ऐसा हवेली में ना बहुत सारे कमरे हैं, जाओ पैर फैला के सो जाओ, हड़प लो हवेली। बाय। जरा साइकिल छोड़ो, भाड़े पे चाहिए क्या? क्या? चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे दामाद जी, बचपन में गिल्ली लेने पहली बार यहाँ आया था, उस दिन नहीं मिली थी, तुम ढूंढो, मैं बाहर जाके डंडा ढूंढ के आता हूँ। ठीक है, चुपचाप मेरे साथ हवेली के अंदर चलो, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। अच्छा? हाँ घसीट कर। क्या बोला? वही जो सुना, अंदर भूत है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, चुपचाप मेरे साथ चलो। ऊपर वाले बचा ले, बचा ले। इस छोटे घर में कौन रहता है? दूध वाला रहता है। सुमन, बूढ़ा माली और उसकी पोती रहती है। वो लोग यहाँ रहते हैं और फिर भी तुम डर रहे हो? वो तो भूतों के रिश्तेदार है, मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम लोग जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो, मेरी बीवी मेकअप करके मेरी राह देख रही होगी। वो वहाँ पर क्या हो रहा है? चकाचक पेंटिंग हो रही। ओ, तो यहाँ पर पेंटर्स भी रहते हैं? हाँ, पूरे एक महीने से हवेली का थोबड़ा चेंज कर रहे हैं। एक आदमी एक महीने से अकेला अंदर रह रहा है और हम दोनों को वहाँ अंदर जाने से डर लग रहा है। थू। वो अलग गांव का है, इस गांव का होता तो भूत उसे फाड़ डालता। ये बिल्ली की आवाज है या किसी चुड़ैल की आवाज है? मुकेश,
क्या तुम इस हवेली की दास्तान जानते हो? इस वक्त तो मैं खुद की दास्तान भी भूल चुका हूँ। बस इतना जानता हूँ कि ये हवेली 50 साल पुरानी और इधर एक चुड़ैल रहती है। एक बार डाकिया डाक देने आया था, उसने ठक ठक करके दरवाजा खटखटाया, चुड़ैल उसे निकल के डकार मार गई। मुझे भी डर के मारे गैस की डकार आ रही है। बहुत हुआ, चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? कौन है? वहाँ ऊपर क्या है मुकेश? ऊपर फुल फैमिली के साथ भूत रहते हैं। भूत रहते हैं और ताऊ चाचा के साथ पिशाच रहते हैं। पिशाच रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 30 फुट लंबा एक एनाकोंडा जैसा नाग भी है। कईयों को डस चुका है। पिछले साल चूने की पोताई करने रंगा आया था। लेकिन 4 बजे शाम ढलते ही वो चला जाता। लेकिन एक बार उसकी घड़ी बंद हो गई और वो रात 9-10 बजे तक काम करता रहा। बाहर जो अंधेरा था उसकी किस्मत में धीरे धीरे छाने लगा। उस काले नाग ने उसे ऐसा डसा कि सुबह उसकी लाश गेट के पास मिली, मुंह से झाग निकल रहा था। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी को चुड़ैल ले गई है। अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? जवाब तो तब दूंगा ना जब घर पहुंचूंगा। मुझे घर कौन ले जाएगा? दामाद जी, छुपा छुपी खेलना बंद करो। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, मजाक मत करो, मेरे फेफड़े फूटक के बाहर। बोला था ये भूतिया हवेली है, फिर भी नहीं माने। अरे चुप कर, सुनिए जी, सुनिए ना। मुकेश होश में आ। ए मुकेश, मुकेश होश में आ। तू चुपचाप अच्छा नहीं लगता मेरे भाई, तेरे इस मुंह से बकवास ही अच्छी लगती है। दामाद जी ये बताइए, इसको भूतिया बंगले में ले जाने की क्या जरूरत थी? अब देखिए उस चुड़ैल ने मेरे हंसते खेलते भाई की क्या हालत कर दी है, जैसे कोई लाश खड़े खड़े हंस रही है। कुछ कीजिए, बड़ा डरावना लगता है ये। अरे गांव वालों, बताशे बट रहे क्या? मेरे हिस्से के कहाँ है? नमस्ते माँ जी, मैं सुमित। सुमित कहाँ है? वो इस घर का होने वाला दामाद है। जब मैंने सुना कि तुम बैलगाड़ी में सवार होकर यहाँ आए हो, तभी मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे दामाद नहीं हो, क्योंकि मेरा दामाद कभी ऐसे नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा माँ जी, यहाँ आते ही मैंने इन्हें बताया कि मैं इनका दामाद नहीं हूँ, लेकिन इन अकल के अंधों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और आपने बिना कहे सब जान लिया। आई रियली अप्रिशिएट इट। माँ जी, सुमित ने इस गांव की उस हवेली को खरीदने का फैसला कर लिया है। यस, इसीलिए उसने पहले मुझे भेजा। मैं उसका दोस्त हूँ, उसके भाई जैसा ही हूँ। मेरा नाम है शंकर। कभी नहीं विंध्यपुरम हवेली में एक रात भी रुकना, यानी मौत को बुलावा देना। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। पहले ही उस हवेली में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माँ जी, अब आपको कैसे समझाऊं? समझ में नहीं आ रहा। सुमित ने आपकी बेटी से शादी। लो, वो खुद ही आ गया। दामाद चूना लगाता है। प्रिया, अरे बेटा बाहर आओ, आकर अपने होने वाले पति का चांसा मुखड़ा तो देखो। आओ आओ, देखो इनका नाम गंगा है, मेरी पत्नी। माँ जी, इसकी माँ तो यही चाहती थी कि सुमित की शादी आपकी बेटी प्रिया से हो, लेकिन इस दौरान सुमित को गंगा से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। बेड़ा गर्क, बड़े रईस लोग मेरी बेटी का हाथ मांग रहे थे, तुम्हारे चक्कर में उन सबको हमने भगा दिया। शादी ब्याह तो सब किस्मत का खेल है पापा, किसके हिस्से में कौन आए आखिर ये बात कौन बता सकता है। क्या पते की बात कही है, वाह।
इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी बात कह दी, लाइए हाथ मिलाइए। हाथ हटा। मुझे मालूम है आप सब लोग मुझसे नाराज हैं, फिर भी मैं आप सब लोगों से मिलने यहाँ चला आया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलता हूँ। कहाँ? राजा विक्रमजीत की जो पुरानी हवेली है, आज से हम लोग वहीं रहेंगे। उस हवेली में? नहीं नहीं नहीं। पर क्यों? उस खूनी हवेली में एक बुलंद दरवाजा है और अंदर चंद्रमुखी का भूत रहता है। आज के जमाने में भी आप लोग भूतों पर विश्वास करते हैं? देखो बेटा सुमित, हम लोग जानते हैं कि तुम शहरी बाबू हो, इसलिए इन बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन उस हवेली में कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहाँ मत जाओ। ये वहम है। उसे खरीदने से पहले मैंने उस हवेली को अच्छी तरह से जांच परख लिया था, वहाँ भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। बेटा देखो, तुम मेरी बात को गलत मत समझना, मैं वहाँ 40 साल से माली का काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी अंदर नहीं गया। एक बार फिर से सोच लो बेटा। काका मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए तो उस 50 करोड़ की हवेली को मैंने सिर्फ 5 करोड़ में खरीद लिया। देखो, पर मैं दकियान उसी बातों पर यकीन नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी गंगा को वो हर सुख दूं जिससे वो अपनी बाकी सारी जिंदगी एक रानी की तरह बिताए, और अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो आप चिंता मत कीजिए, हम निपट लेंगे। समझाओ इसे। हम सब जाएंगे। उसे खरीद कर तुमने ठीक किया। ऐसे क्या देख रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि अब मैं हाँ क्यों कह रही हूँ? मैं नहीं चाहती सुमित पर कोई आफत आए। मैंने फैसला किया है कि सुमित का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक हम सब उसके साथ हवेली में रहेंगे। सब एक साथ मरेंगे। सुनो, हमें इन दोनों का ख्याल रखना है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो सरस्वती को लगेगा मैंने पुरानी बात का बदला लिया है। माना कि सुमित ने हमारी प्रिया से शादी नहीं की, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका ख्याल रखें। और वैसे भी बहुरानी पहली बार आई है, सबसे घुल मिल लेगी। शुक्रिया माँ जी, आशीर्वाद। रुको सुमित, अभी नहीं। जिस काम के लिए तुम आए हो, एक बार वो काम पूरा हो जाए उसके बाद हम सब मिलकर इनके आशीर्वाद लेंगे।